बिहार अररिया में भारत विरोधी समर्थक पाकिस्तान के नारे उठाते हुए लोगों के वीडियो के बाद गिरफ्तार दो लोगों को वायरल भेजा गया। उत्तर प्रदेश और बिहार में उपचुनावों के परिणाम के बाद हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल चला गया वीडियो के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार में अररिया में भारत विरोधी और भारत पाकिस्तान के नारे चिल्लाते हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान सुल्तान आजमी और शहजाद के रूप में हुई है। दोनों नए निर्वाचित आरजेडी सांसद सरफराज आलम के पड़ोसी हैं। अररिया में अपने गांव में आलम की जीत के तुरंत बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जहां लोग नारे लगाते थे जो पाकिस्तान के समर्थक थे। इंडिया टुडे ने बताया, इस मामले की संज्ञान लेने के बाद अररिया दीपंकर श्रीज्ञान के एसएचओ ने एक ऐसी मोटू एफआईआर दर्ज की थी। बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह ने भी इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है, स्थानीय लोगों ने विरोधी राष्ट्रीय नारे जुटाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए गुरुवार को एक रैली ली। अररिया सीट के उपचुनाव में आरजेडी ने भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह को 60,000 मतों से हराकर अपने उम्मीदवार सरफराज आलम के साथ सत्ताधारी भाजपा जनता दल संयुक्त गठबंधन को झटका लगाया। परिणाम के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि अररिया जल्द ही आतंक का केंद्र बनकर एक विवाद पैदा करेगा। सिंह ने कहा कि अररिया नेपाल और बांग्लादेश के नजदीक एक सीमावर्ती इलाका ही नहीं था, बल्कि उसने क्रांतिकारी सोच को भी जन्म दिया। तथ्यात्मकता वाली प्लेटफॉर्म ऑल्ट न्यूज ने वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। एक ऑडियो विश्लेषण करने के बाद वेबसाइट बताती है कि ऑडियो और वीडियो के बीच कोई लिप सिंक नहीं है और उस पृष्ठभूमि शोर अचानक वीडियो के कुछ हिस्सों में बंद हो जाता है।